Dear students, today we study about asexual reproduction. Last classes में हम लोगों ने reproduction के one methods, vegetative propagation के बारे में discuss किया था और आज हम लोग discuss करने जा रहे हैं asexual reproduction, अलैंगिक प्रजनन के बारे में, ठीक है? In fact, ये topic शुरू करने के पहले मैं आप लोग को बता दूं कि vegetative propagation और asexual reproduction में बहुत हद तक similarity है, इसलिए अनेक किताबों में दोनों को एक साथ रखा गया है. सही मायने में देखा जाए तो इनके रिजल्ट्स के तरीके पर या इसकी प्रक्रिया, इसके प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु इनमें भाग लेने वाली कोशिकाओं में अंतर के कारण हम इन्हें अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैथड यानी अलैंगिक प्रजनन, ठीक है? अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये शब्दों से ही समझ में आता है कि प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें सेक्स ऑर्गन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जहां एक सिंगल पेरेंट, एक अकेला जीव अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सहायता से संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं. और प्रजनन की यह विधि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से लोअर एनिमल्स में, लोअर प्लांट एंड लोअर एनिमल्स में, लोअर एनिमल्स तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है? जितने भी विकसित जीव हैं, चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, उनमें मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि अविकसित पौधे एवं जंतु तथा सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलैंगिक प्रजनन क्या है और ये कितने विधि के द्वारा हो सकता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन प्रजनन की वह विधि जिसमें एक अकेला जीव अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव संरचना के द्वारा संतान उत्पन्न करता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. इसकी मुख्य बातें ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा सिंगल पेरेंट भाग लेगा, एक अकेला जीव संतान उत्पन्न करेगा. दूसरा, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल ऑर्गन, जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो एसेक्सुअल ऑर्गन या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर के द्वारा ही होगा. तीसरा, इसमें हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगा. इस प्रक्रिया में जब भी डिवीजन होगा तो वो होगा माइटोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं. और जैसा हम जानते हैं, माइटोसिस डिवीजन 11th में पढ़ना था, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हमेशा एक सेल से सदैव दो कोशिका का निर्माण होता है और दोनों कोशिका, दोनों पुत्री कोशिका, डॉटर सेल, मदर सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है. प्रत्येक रूप से उनकी संरचना, कार्य, उनके अनुवांशिक लक्षण एवं क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल एक समान होती है. और इसी कारण अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं. इसलिए अलैंगिक प्रजनन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्लोन भी कहते हैं. और ये प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है. तो इसका एकमात्र जवाब ये होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अकेला जीव भाग लेता है और प्रजनन की प्रक्रिया माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा पूरी होती है. इस वजह से, इस कारण संतान के अनुवांशिक लक्षण अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है? तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि इसमें हमेशा एक सिंगल पेरेंट संतान उत्पन्न करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया अलैंगिक प्रजनन अंगों या संरचनाओं के द्वारा होगी, और यह प्रक्रिया में, प्रजनन की प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन, कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है? तो ये इसके कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज थे, मुख्य लक्षण थे. अब हम लोग जानते हैं एसेक्सुअल अलग अलग जीवों में किस प्रकार से, किस विधि के द्वारा होता है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनेक विधियों के द्वारा होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण विधि है. पहला है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, जिसको हिंदी में द्विविखंडन भी कहते हैं. दूसरा है मल्टीपल फिजन, जिसे हिंदी में बहुविखंडन कहते हैं, द्विविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है? इसके अलावा बडिंग, जिसे कलिका कहते हैं हिंदी में, कलिका द्वारा.
इसके अलावा जो मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर को हिंदी में बीजाणु कहते हैं, बीजाणु द्वारा, ठीक है। एंड द फिफ्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बल बिल, जो कुछ डेवलप्ड प्लांट में पाई जाती है। ये एक स्पेशल मेथड है जो सिर्फ विकसित पौधों में पाई जाती है, और एक एक करके हम लोग सारे मेथड डिस्कस करेंगे। पांच इंपॉर्टेंट मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसके द्वारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दीज आर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड बल्बिल। तो लेट वी डिस्कस अबाउट बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, सूक्ष्म जीवों में, मुख्य रूप से बैक्टीरिया में प्रजनन की सबसे बेहतर विधि है, सबसे सर्वोत्तम विधि है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, और ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। बहुत आसानी से हम इसे समझ सकते हैं बाइनरी फिजन को। इनफैक्ट बाइनरी फिजन को हम लोग ए माइटोसिस भी कह सकते हैं, असूत्री विभाजन, ठीक है। क्या होता है बाइनरी फिजन, इसका डिफिनीशन इसके नाम में ही है, द्विविखंडन, यानी दो भागों में बंट जाना, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, आपने देखा होगा बैक्टीरिया की कोशिका की संरचना बहुत ही सिंपल होती है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वाल के साथ साथ एक इनसिपिएंट अविकसित केंद्रक पाई जाती है। केंद्रक के रूप में सिर्फ डीएनए का धागा होता है, डीएनए थ्रेड होता है, जिसे हम क्रोमैटिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब ये ध्यान दें, बाइनरी फिजन में सबसे पहले, बाइनरी फिजन में प्रोसेस के दौरान जब परिस्थितियां अनुकूल हो, जब भोजन की मात्रा समुचित हो, तापमान बिल्कुल परफेक्ट हो, रूम टेम्परेचर हो 25 से 35 डिग्री के बीच की अवस्था हो, ह्यूमिडिटी सही हो, और जिस परिवेश में ये बैक्टीरिया रह रहा है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, सॉयल हो, वहाँ का पीएच मान भी नॉर्मल हो, उस परिस्थिति में बैक्टीरिया का सेल तेजी से विकसित होता है और बाइनरी फिजन करता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में, प्रारंभ में, सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। सर्वप्रथम डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स डीएनए का प्रतिलिपिकरण, जिसके द्वारा डीएनए अपना कॉपी बनाता है, और इस कॉपी बनाने के कारण कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, डीएनए का जो धागा है वो डबल हो जाता है, और दोनों एक दूसरे के कॉपी होते हैं, और दोनों में एक समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे ही कॉपी बन जाती है, डीएनए रिप्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके उपरांत कोशिका, बैक्टीरिया की जो कोशिका है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच से अंदर की ओर दबना शुरू होता है, और वो कुछ डंबल के समान आकृति जो है अपना शेप बना लेता है, ठीक है, और ये डंबल के समान आकृति बना लेता है, और इसके बाद फाइनली ये दो भागों में बट जाता है, और इस प्रकार से एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण होता है। दोनों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म और बाकी सेल ऑर्गेनल्स का भी विभाजन हो जाता है, और अंततः हमें एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया की प्राप्ति होती है। तो ओवरऑल हम देखें कि ये एक प्रजनन का विधि है, जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया का निर्माण कर रहा है, और इसी वजह से इसे द्विविखंडन, बाइनरी फिजन कहते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया दो भागों में टूट रहा है, बट रहा है। और यह जो है अलैंगिक मेथड सिर्फ और सिर्फ जीवाणु कोशिका, बैक्टीरिया कोशिका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, और अनुकूल परिस्थितियों में इस विधि द्वारा बैक्टीरिया की कोशिका प्रजनन करती है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसी से मिलता जुलता दूसरा टर्म है वो है मल्टीपल फिजन, दैट इज मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, या हिंदी में इसे कहते हैं बहुविखंडन, ठीक है। अब यहां नाम से ही आप जान लें कि मल्टीपल फिजन का मतलब हुआ बहुत ज्यादा टुकड़ों में बटना। दो भागों में बट रहा था तो हम इसे कह रहे थे बाइनरी फिजन, जब दो से अधिक भागों में कोशिका बटेगी तो वो कहलाएगा मल्टीपल फिजन, यानी एक बार में दो से अधिक नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, नई संरचनाओं का निर्माण होगा, तो वो कहलाएगा मल्टीपल फिजन, जो मुख्य रूप से अमीबा में पाई जाती है, या एक कोशिकीय विकसित कोशिकाओं में, यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। बेहतर एग्जाम्पल है अमीबा। इस प्रक्रिया में क्या होता है, यह स्वयं होने वाली क्रिया नहीं है। सर्वप्रथम ये बात जान लें कि अपने आप नहीं होता है। जैसा हम लोगों ने बाइनरी फिजन में देखा कि बैक्टीरिया की कोशिका अनुकूल परिस्थितियों में विभाजन करके एक से दो में बट रही थी, पर मल्टीपल फिजन की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया विषम परिस्थितियों में, अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। कैसे होती है, इसको हम लोग अपनी फिगर से आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रक्रिया में सपोज दिस वन इज ए
अमीबा सेल्स। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, उसके मध्य में केंद्रक पाई जाती है और केंद्रक में डीएनए का उलझा हुआ धागा होता है। दिस वन इज न्यूक्लियस, केंद्रक। ठीक है, किसी भी कारणवश अमीबा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में पाया जाता है, किसी भी कारणवश, पानी की लहरों के कारण, किसी चट्टान से टकराने के कारण, या दूसरे एनिमल्स के द्वारा खाए जाने के कारण, या किसी भी फिजिकल हिट के कारण ये कई भागों में टूट सकता है, बट सकता है। ठीक है, और बटने के बाद अगर ये कई भागों में टूटता है, सपोज कई भागों में टूट जाए किसी भी कारण से, हम लोग सेगमेंट ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कई टुकड़ों में ये बट गया है, राइट? तो इनमें से वो सारे हिस्से, वो सारे भाग जिसमें न्यूक्लियस का थोड़ा सा भी हिस्सा मौजूद है, वो सभी विकसित होके एक नया अमीबा बनेगा, नया अमीबा बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखें तो पहला भाग, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इससे नई कोशिका नहीं विकसित होगी, ये नष्ट हो जाएगा, जबकि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सभी भाग में न्यूक्लियस का थोड़ा थोड़ा हिस्सा मौजूद है और ये सभी भाग विकसित होकर एक नए अमीबा का निर्माण करेंगे। और इस प्रक्रिया द्वारा एक बार में एक से अधिक, इनफैक्ट दो से अधिक नई कोशिका, नई संरचना का निर्माण होता है, जन्म होता है, इसलिए इसे हम मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन कहते हैं।